नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में। आज बाजार की शुरुआत सुस्त थी, लेकिन आखिरी घंटों में अच्छी खरीदारी के दम पर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 182 अंक और निफ्टी 51 अंक चढ़कर बंद हुए। सेक्टोरल बेसिस में देखें तो ऑटो, ऑयल एंड गैस, आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, वहीं मेटल और रियल्टी शेयरों में मुनाफा वसूली हावी रही। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज ने 2151 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं डीआईज की तरफ से लगभग 180 करोड़ की खरीदारी कैश में देखने को मिली। लेकिन इस मौजूदा स्तर पर मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल से अलाइंड हैं, यानी कि अगर क्रूड ऊपर जाता है और उन लोगों को फायदा होता है तो वहाँ पे क्लियरली तेज़ी रहेगी एंड ONGC उस बास्केट में क्लियरली आता है। इसी के साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज अभी कम्प्लीटली प्राइस पास थ्रू है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहाँ पे भी क्रूड अलाइनमेंट है वहाँ पे तेज़ी की जा सकती है और ONGC उस केस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बेट रह सकता है। बट इसमें एक और भी चीज़ है जो कि ऑपोजिट खेली जा सकती है, जो कि शॉर्ट्स के हिसाब से खेली जा सकती है। जहाँ पर भी क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, जैसे पिडिलाइट हो गया या जैसे एशियन पेंट्स हो गया, और वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं और इस समय डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिमांड पिकअप का कोई चांस नहीं है और प्राइस पास थ्रू का कोई चांस नहीं है, ऑलरेडी डिमांड पे इम्पैक्ट रहेगा। सो कैस्ट्रॉल, पिडिलाइट, ऐसे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है हमारे लिए। तो आपने एक्सपर्ट्स की भी राय सुनी और आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं। किरण, वेलकम टू द शो। मार्केट्स में आज हमने देखा शुरुआत से लेके ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द डे, मतलब जो मार्केट आवर्स होते हैं, काफी सुस्ती थी, ऑलमोस्ट एक रेंज में था मार्केट, लेकिन सडनली लास्ट एक घंटे में एक अच्छा बाइंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 0.1% की बढ़त के साथ निफ्टी सेंसेक्स क्लोज रहे, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रेशर आज देखने को मिला। आपने क्या ऑब्जर्व किया और कल की ओपनिंग कैसी देखते हैं आप? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। मुझे लगता है कि जो 21 नवंबर को जो बॉटम बनाया वो बॉटम हो चुका है और हमने उसके बाद कंसिस्टेंटली एक हायर टॉप हायर बॉटम का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जो आज के ट्रेड के ट्रेड का अगर हम जस्ट निकाले तो बेसिकली कल शाम को फेड की मीट है, उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन मिलने वाली है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये रेट कट फैक्टर्ड इन है और निचले स्तरों से जो शॉर्ट्स है वो ट्रैप होते नजर आएंगे। मैं एग्रेसिवली बुलिश हूंगा 8300 के ऊपर। 8300 के ऊपर वन वे रैली करीबन 84-84.50 तक चलते नजर आएगी और वो इन अ जिफ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों से हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है, निचले स्तरों से अच्छी बाइंग आ रही है। और दूसरी जो बात की हमने की मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, वो बिल्कुल लाजमी है क्योंकि अभी फोकस शिफ्ट होगा फ्रंट लाइन्स पे। पहले फ्रंट लाइन्स भागेंगे, उसके बाद वो रुकेंगे, फिर वो मिड कैप और स्मॉल कैप के में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो जो टेक्निकल सेटअप है एकदम परफेक्ट है। कल के सत्र में भी हम ऐसे ही कुछ साइडवेज मूव देखेंगे, अंडर करंट स्ट्रांग रहेगा और थर्सडे से वन वे मूव चालू हो जानी चाहिए जी। इनफैक्ट ये एक डेफिनेटली बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए और ऑलमोस्ट 95% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होगा। हालांकि 5% जानकार ऐसे भी है जिन्हें लगता है यूएस फेड हाइक नहीं होगी। लेकिन साथ ही एक और डेवलपमेंट है बॉम्बे हाउस में, सारस मिस्त्री पर लगा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। मिस्त्री को TCS के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने को लेकर EGM रखी गई थी, हालांकि कई शेयरधारकों ने मिस्त्री को हटाने का विरोध भी किया था, लेकिन EGM की अध्यक्षता कर रहे अमन मेहता ने कहा है कि मिस्त्री ने प्रमोटर्स का भरोसा खो दिया है और भरोसा खोने की वजह से मिस्त्री को इस पद से हटाया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज EGM में सारे मिस्त्री मौजूद नहीं थे। तो खैर, EGM की जो अपडेट्स हैं, जो वहाँ से आउटकम है वो हमारे सामने है कि TCS से फाइनली टाटा हो चुका है सारस मिस्त्री को। इनफैक्ट किरण, काफ़ी कुछ हो रहा है टाटा ग्रुप में। टाटा ग्रुप स्टॉक्स को लेकर आपकी राय क्या है, इस डेवलपमेंट का क्या कोई असर आप TCS पर देख रहे हैं आज? हालांकि आज लाल निशान में ही बंद हुआ है TCS, जबकि चुनिंदा मिड कैप IT स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली थी। व्हाट्स योर टेक ऑन टाटा ग्रुप एज अ होल एंड इन पर्टिकुलरली TCS? टाटा ग्रुप एज होल साइडवेज दिखाई दे रहा है और TCS के बारे में बात करें तो ये भी साइडवेज है विद अ स्मॉल पॉजिटिव आउटफ्लो।
तो मुझे लगता है कि इसने एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 2150 का एम सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई होप है कि वापस एक बार ऊपर आते नजर आएंगे। तो 2150 जब तक होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये 23 तक जाने की संभावना बनती है। वैसे आईटी सेक्टर बहुत बीटन डाउन है, बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि इधर से एक बार 2300 तक जाने की उम्मीद है। जो टाटा ग्रुप में जो नेगेटिव बात है उसके वजह से बहुत शॉर्ट पोजीशंस इसमें बनी है, टीसीएस में, टाटा मोटर्स में, टाटा केमिकल्स में। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स एक बार ये सावट निकल जाए तो एक अपमूव देखने को मिल सकता है। वो सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर होल्ड करते हैं तो बिल्कुल एक आपको मूव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव मूव। और राइट, दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं, शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले फोन लाइन पर चिन्मय है जो कि उड़ीसा से इस वक्त मौजूद है। चिन्मय, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर जी। तो मैंने पीएनबी लिया था 160 में, ठीक है, और 100 शेयर है, और एलएनटी है एवरेज का प्राइस वो 1602, ठीक है, 10 शेयर है, ठीक है। तो एलएनटी मैम 1.5 साल हो गया, बहुत दिन हो गया होल्ड किया हूँ, ठीक है। तो मैम क्या करना है? पहले पीएनबी पे बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर शेयर पर इनको 31 रुपए का लॉस हो रहा है, क्वांटिटी है 50 शेयर्स। पीएनबी में अभी क्या करना चाहिए, किरण क्या अप्रोच होनी चाहिए? पीएनबी के अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 125 का, 129 के करीब है, तो सपोर्ट के बहुत नजदीक है। इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, बल्कि अगर परसों का दिन एक जाने देना चाहिए, तब अगर थर्सडे को अगर 125 होल्ड करता है और इसके ऊपर ही रहता है तो मुझे लगता है कि 145-150 तक ये स्टॉक इजीली चला जा सकता है, और इधर एक रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा स्टॉक था शायद एलएनटी, मैंने बराबर एलएनटी था, तो इधर भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है 1340-1350 का, तो अगर ये बेस होल्ड करता है और 1400 का एक रेजिस्टेंस है वो निकल जाता है तो इधर भी एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि एलएनटी को इजीली 1480-1500 तक ले जा सकती है। तो मैंने जो लेवल्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉप लॉसेस बहुत नजदीक से लगाना चाहिए और स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर कोई भी सौदा बना रहे हैं आप तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एलएनटी काफी ऊपर की खरीद है, 1602 पे खरीदा हुआ है, आज की क्लोजिंग 1375 पर रही है। स्टॉक में एक अच्छा मूव दिखा है इस साल, ऑलमोस्ट 1000 रुपए के लेवल से 1600 रुपए तक भी आया। फिलहाल कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, यही सलाह है हमारे एक्सपर्ट की। अगला सवाल है एसएमएस के जरिए दिनेश का, दिल्ली से भेजा है इन्फोसिस पर। इनके पास टोटल क्वांटिटी है 200 इन्फोसिस की, जो लेवल है खरीद का है 932 रुपए, एक अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% की बढ़त के साथ आज क्लोज हुआ है। आज आईटी स्टॉक्स में बाइंग दिखी भी, सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद हुए। इन्फोसिस क्या करना चाहिए अभी, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप नियर टर्म में? ये ट्रम्प के आने के बाद इसने एक अच्छा बेस बनाया, उसके बाद एक अच्छी अपमूव देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो फैक्टर्ड इन है, और मुझे नहीं लगता कि इधर से बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि इधर से थोड़ी सी अपमूव देखने को मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सपोर्ट करीबन 960 का है, तो 950 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आते दिनों में ये इजिली 1050 लेवल्स टेस्ट करेगा, तो और एक 60-70 रुपए की अपमूव है, तो उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं जितेश का, मुंबई से। एस्कॉट्स पर इनका क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 500 शेयर्स हैं एस्कॉट्स के जो कि 160 पर खरीदे हुए हैं, इनकी खरीद से दुगना हो चुका है, एक अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं, क्या करना चाहिए एस्कॉट्स में? एस्कॉट्स बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी थी, करीबन 400 रुपए से लेकर 280 तक एक वर्टिकल क्रैक देखा गया था, और उसके बाद एक छोटी सी अपमूव आई है, और उस अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो प्योर पोजिशन क्लैरिटी नहीं है, तो मैं मानूंगा कि एक स्टॉप लॉस के साथ रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 310 के नीचे अगर चला जाता है तो इस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए, और ऑन द अदर हैंड अगर ये स्टॉक 330 क्रॉस कर देता है तो एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। उस सिनेरियो में ये स्टॉक 380-400 तक जाने की संभावना बनती है। तो 400 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा आपने कमाया है, अभी और अपसाइड बाकी है, बने रहें। फोन लाइन पर विक्रम पाटिल हैं, दिल्ली से जुड़े हैं इस वक्त। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास रोटो पंप्स के 1000 शेयर हैं,
एट 70 रुपीज. आई नीड ए इंजेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. आप बताना चाहेंगे आपने किसी की एडवाइस पर ये खरीदा? रोटोपम्प्स का चुनाव किस पैरामीटर पे किया? क्या रीजन रहा इसके पीछे? मैंने जी लाइव पे ही इसका रिकमेंडेशन देखा था. ठीक है. ऑलराइट किरण, रोटोपम्प्स कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं. पंप सेगमेंट की कंपनी जैसा इसके नाम से पता चल रहा है. इनकी खरीद भी बहुत ऊपर की है, 72 पे खरीदा है, 55 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है. अभी क्या इसमें करना चाहिए स्टॉक में? चार्ट कैसा लग रहा है आपको? देखिए पल्लवी जी, इलिक्विड काउंटर है तो कोई छोटी से मामूली सी डिमांड आती है तो ये स्टॉक लेफ्ट राइट हो सकता है. तो मुझे लगता है कि मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए. इसके नीचे अगर चला जाता है तो बेच दीजिए, और इसके अगर ऊपर है और एक छोटी सी एक बाउट आती है बाइंग की तो ये स्टॉक वापस आपके लेवल्स को छूता नजर आएगा. तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड रहने दीजिए. तो इस तरह के काउंटर्स में ये ध्यान रहे कि वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं, इसलिए जिस तेजी से आपको मुनाफा मिलता है उस तेजी से आपको नुकसान भी हो सकता है. 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और किसी भी रैली में यहां से एक्सिट करें. वक्त हुआ है टॉप 20 स्टॉक्स जानने का, यानी वो 20 स्टॉक्स जहां पर इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं. कल के सेशन में पहला स्टॉक जो आपकी नजर पर रडार पर होना चाहिए वो है टीवीएस मोटर का. ऑटो शेयरों में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली. बाजार की रिकवरी में एक अहम रोल ऑटो स्टॉक्स का रहा. शेयर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ है. यहां पर खरीदारी का मौका है. 394 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 377 का स्टॉप लॉस लगाएं. दूसरा स्टॉक होगा किरी इंडस्ट्रीज. केमिकल शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है. कच्चे तेल की कीमतों में जो एक स्टेबिलिटी आई है तेजी थमने के कारण केमिकल शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है. यहां पर बाय करने का मौका है. 306 के टारगेट्स के लिए 293 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं. तीसरा स्टॉक होगा माइंडट्री का. फेड बैठक से पहले आईटी शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है. शेयर अपने दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ है. यहाँ पर भी खरीदारी का मौका है. बाय करें 505 के टारगेट्स के लिए, 486 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं. चौथा स्टॉक होगा वालचंद नगर का. अगले हफ्ते तक ओबामा इंडो यूएस डिफेंस करार पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए. यूएस कांग्रेस से भारत को डिफेंस पार्टनर बनाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 153 के टारगेट्स के लिए, 147 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. पांचवा स्टॉक है ओमकार केमिकल्स का. ओमकार केमिकल स्पेशलिटी, यहां पर आप नजर रख सकते हैं. 173 के टारगेट्स के लिए 165.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. खबर भी है कि कंपनी को नया पेटेंट मिला है और क्लियोस्टर डेरिवेटिव के लिए ये पेटेंट मिला है. यूपीएल है अगला काउंटर जहां पर नजर रखें. S&P GR ने लंबी अवधि के लिए BBB- की रेटिंग दी है और आउटलुक स्टेबल किया है. आज के सेशन में 2.5% की गिरावट थी, लेकिन कल यहां पर 688 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं, यानी 10 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है. 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें. बजाज इलेक्ट्रिक अगला स्टॉक है जहां पर खबर भी है. यूके की कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया है और सोल्यूशंस के लिए ये करार किया गया है. लाइटिंग सॉल्यूशंस के लिए करार है. खबर के बाद ऑलमोस्ट हरे निशान में बंद हुआ. कल 225 के लेवल्स पर यहां पर टारगेट दिख सकते हैं. 216 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें. LIC हाउसिंग फाइनेंस अगला शेयर है. आज भारी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक की पिटाई होते हुए दिखी. ऑलमोस्ट 2.5% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है. यहां पर आपको सेल करके चलना है, यानी बिकवाली की सलाह है. 536 के टारगेट्स के लिए 555 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें. अगली कॉल है हिंडाल्को. आज मेटल काउंटर्स में काफी पिटाई देखने को मिली है और बाजार में तेजी के बावजूद मेटल शेयरों में गिरावट का दौर देखने को मिला. कल यहां पर बिकवाली करें. 170 के लक्ष्य के लिए 179 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है. लिस्ट में 10वां शेयर है HCC का. यहां पर बाय करने का मौका है. 5 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है और 30 लेंडर्स को कर्ज के बदले शेयर जारी करने को लेकर एक अहम फैसला आते हुए दिख सकता है. नजर बना के चले. कल इंट्राडे में 40.5 के टारगेट अचीव हो सकते हैं. 38.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. किरण, इन 10 स्टॉक्स में कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो या कोई आउटलुक जो आप शेयर करना चाहेंगे? 3 स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगे आपके 10 स्टॉक्स में से. पहला होगा टीवीएस मोटर्स. बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है. अच्छे बेस बिल्डिंग के बाद अच्छा रेजिस्टेंस इसने आज क्रॉस किया. अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करीबन 3 times का वॉल्यूम्स आए थे. डेरिवेटिव डेटा भी बहुत अच्छा दिखाई देता है. तो मुझे लगता है कि इधर से ये इजिली आपको अगर एक 10 दिन का ये व्यू लेते हैं तो 400 के लेवल इजिली क्रॉस करता नजर आएगा. दूसरा होगा किरी इंडस्ट्रीज. किरी इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि किरी इंडस्ट्रीज में हम जो एक बहुत बड़ा बैरियर मान के चलते थे जो कि करीबन 295 के करीब था, वो इसने आज अच्छे वॉल्यूम्स के क्रॉस किया है. इसके टारगेट्स अगले 10 दिनों में 330 के ऊपर होने चाहिए. और तीसरा होगा माइंडट्री. माइंडट्री सरप्राइजिंगली यानी मुझे सरप्राइज किया. बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर किया है.
और आज जो जो मूव आई है वो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड रेंज शोल्डर कहते हैं, वो उसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि इधर से करीबन 565 से 570 के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये तीन मेरे पसंदीदा स्टॉक है। ऑलराइट, चलिए अब जान लेते हैं कि और 10 स्टॉक्स कौन से हैं लिस्ट में। 11वां स्टॉक है TCI का। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है, अपने 20 दिन की औसत एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहां पर खरीदारी का मौका है 184 के टारगेट्स के लिए, 178 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं वो होगा फोर्टिस का। यहां पर आप बाय करके चले 180 के टारगेट्स के लिए, 174 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इनफैक्ट खबरें भी हैं कि 26% हिस्सा बिक्री की खबर से शेयर में तेजी आई और TPG कैपिटल के साथ हिस्सा बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। ऑलमोस्ट 3% की बढ़त, ऑलमोस्ट 3% कह जा सकता है कि बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। फोर्टिस हेल्थ आपकी लिस्ट में होना चाहिए। कॉक्स एंड किंग्स अगला शेयर है जहां पर नजर रखें। डेली चार्ट पर एक मजबूत रिवर्सल है, तेजी का लगातार ये दूसरा हफ्ता है। यहां पर खरीदारी का मौका है 186 के टारगेट्स के लिए, 180 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। L&T अगला शेयर है जिस पर अभी हम बातचीत भी कर रहे थे। शेयर में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है, 20 दिन की अपनी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहां पर बाय करें 1392 के टारगेट्स के लिए, 1368 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। SML Isuzu है अगला शेयर जहां नजर रखें। निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज ऑटो शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली जिसके चलते आज बाजार में भी रिकवरी आई। यहां पर बाय करें 1067 के टारगेट्स के लिए, 1042 का स्टॉप लॉस लगाएं। सूर्य रोशनी है अगला शेयर जहां नजर रखें। 200 दिन की अपनी औसत एवरेजेस के करीब स्टॉक क्लोज हुआ है। पिछले 3 सेशंस की बिकवाली के साथ आज शेयर को थमने की उम्मीद है। ऑलमोस्ट आज 1.5% कमजोरी रही लेकिन कल रिकवरी आ सकती है। 185 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, 180.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर होगा फार्मा स्पेस से और बिंदु फार्मा। आज फार्मा शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली है और स्टॉक अपने 712 से 714 के लेवल पर एक मजबूत सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट आधा परसेंट की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 729 के टारगेट्स कल अचीव हो सकते हैं, 712 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आइनॉक्स लेजर 7 हफ्ते की गिरावट थमने की उम्मीद है। लगातार 7 हफ्तों से ये स्टॉक चल रहा है लेकिन अब यहाँ पर कुछ थकावट जरूर दिख रही है। अपने 20 दिन की औसत एवरेज यानी 224 के लेवल्स पर स्टॉक दिख सकता है। तो कल 224 के लिए आप बाय करें, 216 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो स्टॉप लॉसेस आप अपने डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन करें। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगला शेयर जहां नजर रखें। लगातार 3rd हफ्ते शेयर में पुल बैक दिखा है। दिसंबर वायदा में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यहां पर बाय करें 1962 के टारगेट्स के लिए, 1935 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। और अब आखिरी स्टॉक जो आपके रडार पर होना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से वो है विनाती ऑर्गेनिक्स का। लगातार 3rd हफ्ते में खरीदारी देखने को मिली है। वीकली और मंथली चार्ट्स काफी मजबूत लग रहे हैं। यहां पर 628 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 604 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किरण, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद आया हो? इस लास्ट 10 स्टॉक्स में से मुझे एक ही स्टॉक अच्छा दिखाई देता है, वो है विनीति ऑर्गेनिक्स। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। छोटा सा रेजिस्टेंस करंट लेवल से 650 तक है, पर मुझे लगता है कि 650 के टारगेट्स मान के चलना चाहिए इनिशियली, पर 650 में बेचने की सलाह नहीं होगी। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाएगा और बहुत बड़ी अपमूव आपको देखने को मिलेगी। तो विनीति ऑर्गेनिक्स 605 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहूंगा। इनफैक्ट आज नंबर्स भी आए कोल इंडिया के, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि पहले से ही मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डिप मुनाफे में देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्वांटम है वो काफी ज्यादा है। जो कंसोलिडेट मुनाफा है कंपनी का Q2 में 2650 से घटकर ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए रहा, यानी कि 1000 करोड़ से भी नीचे कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया। बिक्री की बात करें वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। बिक्री 16960 करोड़ से घटकर 15650 करोड़ रुपए रही है। अगर जी बिजनेस अनुमान की बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफे का जो अनुमान था वो 1920 करोड़ के आसपास था, उस लिहाज से एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कमजोर नंबर्स रहे हैं। जो कंसोलिडेटेड लागत है कंपनी की Q2 में, वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। लागत 14730 करोड़ से बढ़कर 16160 करोड़ रुपए रही है। जो भी इनिशियल फिगर्स आई है किरण, इनको देखते हुए क्या लगता है आपको, स्टॉक में कल गिरावट रहेगी? आज तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोजिंग रही है 305 पर। कल क्या लेवल्स देख रहे हैं कोल इंडिया में? टेक्निकली 300 के बहुत अहम लेवल है, 5 रुपए हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर कल का क्लोजिंग या कल अगर दिन भर हम अगर 300 के लेवल होल्ड करते हैं तो वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने में मिलेगी।
अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो बहुत भारी भरकम शॉर्ट पोजीशंस इसमें बनी दिखाई दे रही है। तो अगर 300 होल्ड करता है और फिर 310 के ऊपर चलना चालू कर देता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये स्टॉक को 325 तक ले जा सकता है। पर आपको कल देखना पड़ेगा कि 300 होल्ड करता है या नहीं। इनफैक्ट नंबर्स सीपीआई इन्फ्लेशन के भी आए हैं, और अगर हम देखें नंबर्स को तो महंगाई दर नवंबर में 4.2% से घटकर 3.6% रही है। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी अभी अभी ये एक बड़ा इवेंट था मार्केट्स के लिए, और जो महंगाई की अभी फिलहाल लेवल्स देखने को मिले हैं उसके चलते कोई भी कट अनाउंस नहीं किया है। इस बार के जो नंबर्स है किरण, खाने पीने की चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर है वो 2.1% की बढ़ोतरी उसमें आई है। ग्रामीण महंगाई दर भी 4.78% से घटकर 4.13% देखने को मिली है। ये जो कमी आई है ये डीमोनेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन साइड पर है। इन नंबर्स को मार्केट कैसे लेगा, आपको क्या लगता है, क्या मार्केट कल इन सीपीआई नंबर्स पर रिएक्ट करेगा? मुझे लगता है कि ये टेम्पररी फेज है, ये क्या कंटिन्यूअस पोजीशन नहीं रहेगी। ये वापस एक बार अगर नेक्स्ट महीने में देखेंगे तो ये घटती नजर आएगी। तो ये एक टेम्पररी फेज मान के चलना चाहिए और ये पॉजिटिवली लेना चाहिए कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी मार्केट में। तो मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अहम फैक्टर है वो है फेड रेट, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ सवाल और हैं जो हमें मिल रहे हैं एसएमएस के जरिए। एक सवाल है मुनीश का, पंजाब से सेल पर जानना चाह रहे हैं। मेटल काउंटर्स में कमजोरी भी देखने को मिली है इंट्राडे में, लेकिन ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस रहा है। इनकी खरीद है 54 के लेवल्स की और क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं इन्होंने। इनकी खरीद के आसपास ये क्या करना चाहिए अभी सेल में? स्टील अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? जी अच्छा, स्टील अथॉरिटी में थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है ये बहुत भारी भरकम से नीचे आएगा स्टॉक। कंसिस्टेंटली ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और एम लेवल्स के ऊपर है। तो एम लेवल्स करीबन 51-52 के है, इसके नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। तो निचले स्तर से वापस एक बार बाइंग आएगी और ये स्टॉक इजिली 58-59 आते दिनों में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है जेठूमल जी का, मुंबई से। जेट एवर्स पर जाना चाह रहे हैं, 500 है इनके पास क्वांटिटी, जो कि 667 पर खरीदी हुई है। जेट एवर्स क्या करें अभी, नुकसान में है? मुझे लगता है कि इधर से एक छोटा सा पुल बैक आने की संभावना है, तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। 338 का स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि 340 एक अहम लेवल है जो कि अच्छा सपोर्ट बन के नजर आ रहा है। पर ये पुल बैक सिर्फ एग्जिट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो इमीडिएटली बाहर निकल जाए तो भी अच्छा है। जेट एयरवेज में मुझे कोई चार्ट पैटर्न ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जहां से आपको वापस आपकी कॉस्ट प्राइस भी निकलती आएगी। तो जितना जल्द हो सके बाहर निकल जाइए स्टॉक से। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकल जाने की सलाह है, आपको वैसे काफी नुकसान हो चुका है, तो किसी भी बढ़त में रैली में यहाँ से एग्जिट करें। जितने ही स्टॉक्स पर चर्चा हो पाएगी, शुक्रिया किरण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? नहीं, जनरल डिस्क्लोजर की ये हमने यही रिकमेंडेशन दी होगी और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। We'll be right back.